मेवात जिले के पिनगवा पापड़ा रोड के समीप चाय के खोका में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पीड़ित दुकानदार का चाय के खोका में रखा सामान जलकर राख हो गया, जो लाखों रुपए का बताया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि दोपहर 1 बजे दुकान का सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसकी दुकान धू धू कर चल रही थी। वहीं आसपास के लोगों ने आग बुझाने का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। पीड़ित दुकानदार मकसूद ने बताया कि कुछ साल पहले भी इसी तरह से उनकी दुकान में आग लग गई थी, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। वहीं पीड़ित ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आगजनी की शिकायत पिनगवा पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच में जुट गई है। पीड़ित दुकानदार की आर्थिक मदद की मांग सरकार से की जा रही है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। पेप्सी वगैरह कुछ आइटम कच्चे इनका 1-1.5 लाख रुपए का माल था। कैसे आग लगी? मैं तो यार दुकान पर जी अभी से अड्डा तक गया था, इसमें मुझे आग लगी भाई। पाछे से लगी सर, बिजली से लगी है या किसी और चीज़ से लगी है, मैं कह नहीं सकता। क्या चाहते हैं आप? चाहे कोई हमारे सरकार मदद करे जी। पहले भी आग लगी? हाँ जी। कैसे लगी थी? अब पता ही ना पड़े जी कैसे लगे आग, या समस्या की पता ना पड़ रही हमको। बंदे भीतर लौटे हुए थे जी, इधर आके जगाया मैंने भी, आग लग गया मत भाई, सामान पूरा जल गया, सारा खत्म, कुछ नहीं बचा। हाँ कुछ सिस्टम खत्म है, कुछ ना बचा। पहले कितने रुपए का नुकसान हुआ था? पहले भी करीब इतने का हुआ, इतने क्या हुआ, कम माल रखते हैं इसलिए हमें भैया खोखा है यहाँ गंद वंद पड़ी रहे। नाम तो मकसूद है। मकसूद जी आगे लगी है, कैसे लगी थी, क्या है पूरा मामला? भाई अब कुछ पता नहीं, इसका इन लगाई एक बिजली में लगी, बिजली डोरी जा रही है पीछे, आग लग गई जब बाहर आया।